ओम शांति। परमात्मा शिव की नौ शक्तियों को स्वयं में धारण किए हुए अष्टभुजाधारी मां दुर्गा की सच्ची आराधना के लिए इस नवरात्रि पर लाए हैं मां शैलपुत्री का आध्यात्मिक रहस्य। मां शैलपुत्री दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प से सुशोभित शैलपुत्री को मां दुर्गा के नौ स्वरूपों में से प्रथम स्वरूप के रूप में जाना जाता है। नव दुर्गा के प्रथम दिन इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। मां शैलपुत्री को ही मां पार्वती के नाम से जाना जाता है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। आपदाओं से मुक्ति पाने के लिए भक्त इनका पूजन करते हैं, क्योंकि मां शैलपुत्री ने निराकार परमात्मा शिव की तपस्या से अपनी समस्त इच्छाओं और कामनाओं को समेटते हुए उन पर विजय प्राप्त की थी। इसीलिए जो आत्मा मां शैलपुत्री समान निराकार परमात्मा शिव से बुद्धि योग लगाकर उनके गुणों और शक्तियों को अपने में धारण करेगी, तो आत्मा स्वतः ही समस्त आपदाओं से मुक्त हो जाएगी। तो आइए इस नवरात्रि के प्रथम दिन पर हम सभी राजयोग के अभ्यास द्वारा अपने मन की इच्छाओं और कामनाओं पर विजय प्राप्त कर मां शैलपुत्री का स्वरूप बने। ओम शांति।